बड़ी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, जिसको के रिपब्लिक डे भी बोला जाता है। और भाई हम लोग खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट तरह की आपको झांकियां देखने को मिलती हैं, परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। बल्कि आज सुबह तो टीवी पे लगी भी हुई थी। एग्जैक्टली, मेरे अबू देख रहे थे, लेकिन हम जो है वो आपके साथ बैठकर देखेंगे। एनीवे, वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं वो रिपब्लिक डे से ही रिलेटेड है। और टाइटल क्या बताएंगे? मौज़ा टाइटल है, पीएम मोदी विटनेसेस परफॉर्मेंसेस बाय पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिपब्लिक डे 2023। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे। ये मुझे लगता है जितनी स्टेट्स के हैं ना, ये जितनी स्टेट्स हैं सबके लोग हैं ना, क्योंकि देखे ना साउथ के भी आपको नजर आ रहे हैं, नॉर्थ के भी नजर आ रहे हैं। हर स्टेट के हैं है ना, असम, ये गुजरात। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें ये वंदे मातरम है ना, बस इतना ही कहना। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। वंदे कश्मीर का वंदे मातरम, देखा वंदे मातरम का। ये असम, असम ये वाला जो नहीं नहीं ये हरियाणा और राजस्थान का है। राजस्थान की भोजपुरी टाइप बोलो, हमें इतने साल से ही पता चल रहा। ये रहे घूमरो घूमरो गाना था ना, मेरा स्टेप लग रहा है वही है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये नाम था वो मैंने सुना हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का। ये चेंज लग रही है, हमें तड़पाते हैं। ये गाना सुनकर पता नहीं कि मुझे आंसू आ रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ इंडिया में कितने डांस फॉर्म्स हैं। नाच रही तरुशिखा मनोहर, मैं
अच्छा लग रहा है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मोह किए, समझ लीर निज प्यारा। जहां तो ये नॉर्थ ईस्ट की है ना, यूनिफॉर्म से सुबानियां, युद्ध की कहानियां लहू की है, अच्छी बात है। सुबानियां युद्ध की कहानियां है, मांग दी जवानियां, चलो दिल्ली पुकार के तिरंगा संभाले, स्टैच्यू वैसे मुझे काफी डिफरेंट लग रहा है उनका, मुझे लग रहा है वैसे बनाया हुआ है, वैसे तो नहीं, मतलब उनके तरह नहीं, उनकी तरह लग रहा है। समक्ष है समय भले, विपक्ष है विजय का पक्ष, समक्ष है स्वतंत्रता ही लक्ष्य है, कलर नजर आ रहा है। अच्छा जब परफॉर्मर्स है उनके चेहरे पे भी आपको एक जोश नजर आ रहा है। भाई आज के इस कार्यक्रम की बात की जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें डिफरेंट देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी हैं हमने जितनी बार जो है ना गणतंत्र दिवस की जो हमने परेड देखी है उसमें हमें इस तरह का जो है वो एक अलग से शो हमने नहीं देखा, मे भी हुआ हो लेकिन हमें नहीं देखने को मिला। मतलब ये गणतंत्र दिवस क्योंकि आज है तो इससे पहले एक दिन पहले जो है जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी वो हम लोगों ने देखा, जितने पार्टिसिपेंट थे, नहीं पार्टिसिपेंट भी लेकिन पीएम मोदी जी हैं, फिर प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं, हाँ। और फिर उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सर थे, उन सबके सामने हम लोगों ने देखा कि एक परफॉर्मेंस दी गई लेकिन इतनी कलरफुल। अच्छा मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं इंडियन पेट्रियाटिक सॉन्ग जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिरिक्स आपको यू नो गूज़बम्प्स देते हैं और आपको कहीं ना कहीं पर अंदर यू नो ऐसे आपके दिल को छूते हैं वो, और आपको सुनने का मजा भी आता है बट उसके साथ साथ ना आप थोड़े उदास भी हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले हम लोग सारे घर वाले बैठ कर देख रहे थे, सोनी पर लगा हुआ था रिपब्लिक डे स्पेशल का, इंडियन आइडल में ना, अच्छा। नहीं नहीं इंडियन आइडल था कि पता नहीं उसमें डांस इंडिया डांस, नहीं नहीं सिंगिंग का ही था, मे बी इंडियन आइडल था या मुझे लग रहा है कि इंडियन आइडल ही था। सो उसमें जब ये गाना चला ना संदेशे आते हैं हम, यकीन माने कि मतलब हम इतने उदास हो गए ना एंड लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे, लाइक क्योंकि एक तो माहौल भी ऐसा बना हुआ था और बहुत सारे यू नो आपको ऐसी वो दिखाते हैं स्टोरीज बताते हैं सुनाते हैं फैमिलीज की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। तो मैं एक बात सोचती हूँ कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक खुशियाँ भी मना रहे होते हो तो वाकई में उसका जो हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं, जो एक के हम देखते हैं कि जो हमारे जवान हैं वो जिस तरीके से अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, मुझे लगता है कि मतलब वो एक डिफरेंट अलग ही आपको एक मुझे लगता है
टाइम जोन में आपको जो ले जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा वैसे भी मैं जितने भी परफॉर्मेंस देखे ना उनमें तो सबसे बढ़िया जो इतना हमें कलर देखने को मिला, ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं वो कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद जो है ना मुझे एक चीज जो है ना बहुत अच्छी लगी, जो कोरियोग्राफ हुआ हुआ था, यानी कि जिस तरह से, यानी कि अभी हम देखें जैसे हमने जो है बीच में पेट्रियोटिक सॉन्ग जो था कदम कदम बढ़ाए जा सुना, ठीक है ना, तो ऑन दी अदर साइड आपको जो है एक आजाद हिंद फौज के सारे लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आपको जो है ना डिफरेंट डांस पैटर्न भी जो है सेम म्यूजिक पर जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई एक, यानी कि एक म्यूजिक पर जो है डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के डांस पर, तो आपको जो है ये चीज काफी ज्यादा जो है इम्पैक्ट करती है। वैसे इंडिया में अगर मैं बात करूँ भाई, बहुत सारे आपको जो है डांस फॉर्म देखने को मिलते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात करें तो हमें सिर्फ भरतनाट्यम, कथकली, कथक, बस इन तीन चार फॉर्म्स का ही पता था, लेकिन जो है इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, और अब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमने जब इवेंट्स देखते हैं उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। वेल मैं कहूंगी कि आपको एक ही स्टेज पर डिफरेंट डांस फॉर्म देखने को मिलते हैं, ऑल्दो उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, बट वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो उनका फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहे हैं बीट्स पर, वो देखने का बहुत मजा आता है कि आपको इतने सारे फ्लेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इतना खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट अभी मैं अपने फादर से भी ये बात करी थी, क्योंकि वो रिपब्लिक डे देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, देखो बाहर आकर, मैंने कहा चले ठीक है देखते, मैंने कहा हमें देखना है, सो थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, मैंने कहा फिर उनको बताया, मैंने कहा अभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट झांकियाँ भी आएंगी, उनको नहीं पता था कि झांकियाँ क्या होती है, फिर हमने उनको बताया कि टैबलोज होते हैं, फिर उस तरह से अपना अपना कल्चर हर स्टेट का रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। एंड इनफैक्ट हम लोगों को तो मतलब हमेशा अच्छा लगता ही है, बट ये कि आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो, और ये चीज़ बहुत बहुत आपको मुझे लगता है कि यू नो पसंद आती है, स्पेशली आपकी जो यंग जनरेशन है वो कनेक्टेड रहती है। यार सुबह जब अबू देख रहे थे ना, तो उनसे यही हमने बात की थी कि देखें डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरेटरीज हैं, उनका जो है वो सारों का दिखाएंगे इसमें, सारों की जो झांकियां हैं वो गुजरेंगी, वो अपना कल्चर दिखाएंगे, बताएंगे लोगों को। और लिटरली ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि उस टाइम पर जो है ना पूरी दुनिया में लोग जो हैं, बेशक वो किसी हाई लेवल रैंक पर हों या बेशक वो वहाँ की एक जनरल पब्लिक को, ठीक है ना, वो ज़रूर देख रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेशक हाईलाइट ही न्यूज़ में क्यों ना दिखाई जाएँ, लेकिन दिखाई ज़रूर जाती हैं। तो आप जो लोगों को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपना कल्चर दिखा के, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई पिछले कुछ अर्से से, क्या बल्कि मुझे लगता है कि बहुत लंबे अर्से से ये चीज़ जो चल रही है कि जितने भी मेजर इवेंट्स इंडिया में होते हैं, आपको वहाँ पर वहाँ का जिस, जैसे हम राजस्थान में जब G20 की हमने वीडियो देखी थी, तो राजस्थान में आपको जो है वहाँ का लोकल कल्चर एक देखने को मिल रहा था जहाँ पे G20 के मेंबर्स जा रहे थे। लेकिन भारत के गणतंत्र दिवस की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाता है, यानी कि आपको वो एक चीज नजर आती है उस दिन में कि हाँ कि लाइक कुछ बहुत ही बड़े स्केल पर जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। एनीवे गाइस, बाकी टैबलोज और झांकियां देखने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक है मौसम, अगर मैंने सही वर्ड बोला है, और यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट मुर्मू जी की को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने उनको पहली मरतबा डिफरेंट मतलब मैं कहूंगी कि एक यू नो देखा है कि लाइक वरना तो हम लोग उनको बहुत ही सिंपल देखते हैं, यानी कि अगर आज की उन्होंने जो एक साड़ी जो पहनी है, ठीक है, उसका कलर जो है डिफरेंट, वरना मोस्टली हमने उन्हें व्हाइट साड़ी में ही देखा है, उसके अलावा जो है हमेशा उनके जो है ना बाल हमने बंधे हुए देखे, कौन कौन बैठकर गणतंत्र दिवस का परफॉर्मेंसेस देख रहा है, कौन सी फेवरेट झांकियां हैं, और हम लोग भी डेफिनेटली आपके साथ बैठकर जरूर देखेंगे, और इसी के साथ